ओम क्रिया बाबा जी नमः, ओम श्री मातृ नमः। विश्व के परम गुरु श्री महाअवतार बाबा जी, उनकी बहन श्री नागलक्ष्मी माता, ललिता परमेश्वरी का साक्षात विग्रह श्री आनंदमयी माता, श्री दक्षिणामूर्ति श्री दत्तात्रेय जी, श्री परशुराम जी, श्री आदि शंकराचार्य जी और मेरे श्री हरि गुरु को प्रणाम करके आज के सत्संग की श्रृंखला की शुरुआत करता हूँ। परम गुरु श्री भगवान दत्तात्रेय अवतार इस श्रृंखला में दूसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले भाग में आपने दत्तात्रेय जी का योगीराज जो अवतार था इस रूप को सुना। आज जो रूप मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वो दत्तात्रेय जी का दूसरा अवतार अत्रि वरज नाम से जाना जाता है। जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अत्रि मुनि थे, उन्होंने एक बार ऐसा संकल्प धारण कर लिया कि उन्हें ऐसा पुत्र मिले कि वो ये सारा त्रैलोक्य है, इस त्रैलोक्य के जितने सारे प्राणी मात्र है उनको मोक्ष का रास्ता दे, उनको आत्मज्ञान का रास्ता दे, उनके दुखों को दूर कर सके। और ये संकल्प लेके वो रुक्ष नाम का एक पर्वत था, वहां पे उन्होंने 100 साल तपस्या की थी। तपस्या करने के बाद मित्रों उनका तेज इतना बड़ा कि वो तेज की जो अग्नि की ज्वाला में बदल दी गई, और वो अग्नि की ज्वाला में त्रैलोक्य में एक दाह उष्णता निर्माण हो गई, और उसको इंद्रादि देव या मनुष्यगण भी सह नहीं सके। तो तीनों देवता जो थे ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका तेज देख के वहां पे प्रकट हो गए। वहां प्रकट होने के बाद उन्होंने अत्रि जी को पुकारा। अत्रि जी ने आंखें खोली और तीनों देवताओं को देखकर कहा कि मैंने जिसे जिसकी साधना कर रहा हूं, जिसका मैं तप कर रहा हूं, वो तो कोई और है, और आप तीनों देवता यहाँ कैसे आ गए? तब ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने कहा कि अत्रि जी, आप जिस तत्व का तप कर रहे हैं वो तत्व जो है वो हम में ही बसा है, और उस तत्व ने तीन रूप तीन शक्तियां धारण करके हम ब्रह्मा विष्णु महेश जन्मे हैं, और तो हम उसको आप पुकारेंगे तो हम हमें प्रकट होना ही होगा। तो वो जो शक्ति है वो हम में ही है, सिर्फ माया का भ्रम होने के कारण सत्व रज तम ये तीन गुण जो है मनुष्यों में विभक्त हो गए, पर ओरिजिनल जो मूल जो है वो शक्ति एक है जो एकमुखी दत्त है। और वहां मित्रों तीनों देवता जो थे वो एक प्रकार से अपने आप में सम्मिलित हो गए और दत्तात्रेय जी का रूप उन्होंने धारण कर लिया। और वो दत्तात्रेय जी का रूप जो था, जो अत्रि मुनि जी को उन्होंने दर्शन दिया, वो दर्शन दिया हुआ रूप जिसको 6 हाथ थे, 3 मुख थे और वहां पे एक गाय थी, इस रूप में उन्होंने वहां पे दर्शन दिया और उन्होंने अत्रि मुनि जी को आशीर्वाद दिया कि आप जो चाहते हैं वो आगे जाके सफल होगा। तो मित्रों ये जो दत्तात्रेय जी को रुक्ष नामक पर्वत पे, ये जो अत्रि मुनि जी है इनको रुक्ष नामक पर्वत पे दत्तात्रेय जी ने जो दर्शन दिया उसको अत्रि वरद अवतार नाम से जाना जाता है। मित्रों धन्यवाद। मित्रों हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाइए, और हमारा जो ब्लॉग है उस ब्लॉग को भेज दीजिए, अपना ईमेल एड्रेस रजिस्टर कीजिए कि जिससे कि और अत्यंत गूढ़तम ज्ञान और सही आध्यात्मिक विषयों पे चर्चा वहां पे होगी और वो ज्ञान आपको मिलेगा। धन्यवाद मित्रों।